नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं बिग बुलेटिन की खबरों के साथ। फारुखाबाद में कायमगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में चौकी इंचार्ज और एक एसओजी के सिपाही को गोली लगने से घायल हो गए हैं। वहीं एक बदमाश को भी गोली लगी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रात तकरीबन 9 बजे के आसपास पुलिस व एसओजी ने मुखबिर की सूचना पर कायमगंज के टेढ़ी कोन के आसपास लूट के आरोपी बदमाश धर्मेंद्र उर्फ डीके की घेराबंदी की। पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में चौकी इंचार्ज दिनेश भारती और एक एसओजी के सिपाही जितेंद्र त्रिपाठी घायल हो गए। सर, एक अपराधी के अभी मुठभेड़ हुई है, क्या पूरा मसला, किस तरीके से मुठभेड़ हुई है? भैया जहाँ तक मुंह में ना लगे, यहाँ ये धर्मेंद्र नाम का एक काफ़ी शातिर बदमाश था, थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ का रहने वाला, अपने को डीके कहलाना ये पसंद करता था। अपराध की दुनिया में डीके के नाम से जाना जाता था। इसने बहुत सारी घटनाएँ की थी और बड़ी सफाई से प्रायः पुलिस के हाथों से बच जाता था और कभी पकड़ा गया तो भी निकल जाया करता था। इसने अपने मौसी के लड़के की हत्या की थी, शुरू में कन्नौज में, बाद में कन्नौज में 2 व्यापारियों की इसने हत्या की थी। उसमें कुछ चंदन के व्यापार और चोरी का मसला था। और इस समय ये आनंद विहार दिल्ली से भी वांटेड बताया गया है और कानपुर में ये जेल में था। जेल से बाद में रेफर करवा के हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल से चकमा दे करके निकल गया था। ये जिला बदर भी है और इस तरह से बहुत सारे अपराध इसके हैं। लगातार ये अपराध की दुनिया में सक्रिय था। आज इसके बारे में जानकारी मिली कायमगंज क्षेत्र में कि यहाँ पे मोबाइल से खड़ा होकर बात कर रहा था, कुछ शायद अपने साथियों को कुछ बुला रहा होगा, उसका डिटेल निकलेगा बाद में कॉल डिटेल से। लेकिन अभी इस जानकारी के बाद पुलिस वहाँ मौके पर घेराबंदी की। वहाँ पर घेराबंदी होते जैसे ही इसे आभास हुआ तो बाइक लेकर भागने का प्रयास किया, बाद में किनारे के साइड में बाइक गिर गई उसकी और फिर वहीं से वो फायर करना शुरू किया। उसने 4 फायर किए, लेकिन इसके बाद पुलिस की ओर से भी जो जवाबी फायरिंग हुई वो उसके पैर में लगी, वो गिर गया। और इस बीच में चौकी इंचार्ज कस्बा को भी कुछ इस क्रम में चोट आई है और एक अन्य आरक्षी को भी चोट आई है। इनका उपचार चल रहा है और बाकी की कार्रवाई की जा रही है। जो दूसरा सिपाही घायल हुआ वो एसओजी का सिपाही है क्या? हाँ, दूसरा सिपाही एसओजी का सिपाही है। क्योंकि इस सारे कार्यक्रम में कायमगंज पुलिस और एसओजी टीम मिल करके काम कर रही थी, संयुक्त रूप से। थैंक यू।